everyone, myself Ritu Kaushik from Civil Engineering Department in RPIT campus, Karnal. Welcome back to our YouTube channel, it's RPIT Academy. If you like the content in this video, please subscribe the channel. Okay. Today is our topic, it is related to transportation, roadways or highway. First one, we will discuss about the definition, what is roadway. The major road of transportation is achieved by highway and expressway. Road transport is mostly used mode of transportation. Transport by road is the only mode which can provide maximum service to all. Clear? So, transportation mein kya hai ki transportation improves, increase personal mobility, reduce level, permit greater freedom to people to choose where they live, work, purchase and something etc. This mode also has maximum flexibility for travel through any mode of road vehicle related to route, direction, time, speed of travel, etc. Door-to-door service can be provided only by road transportation. Transportation mode आपके पास three types के होते हैं. First one road transportation, air transportation और एक हमारे पास होता है water transportation. ठीक है, इन सब में जो सबसे important है वो है हमारे पास road transportation, क्योंकि road transportation आपको door to door service provide करता है. एक comfort है ये, और दूसरा होता है कि इसमें काफ़ी आपको flexibility भी provide होती है. Next हम करेंगे The planning, design, construction and maintenance of road and roadways facility need of road traffic are covered under highway engineering. Characteristic of road. Characteristic क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक road की, normal हम discuss करते हैं. सबसे पहला क्या होना चाहिए, economical. ठीक है, रोड ऐसा हो कि जब आप उस पर अपनी बाइक या कार जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो. तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन, रोड कैन अकोमोडेट वेरियस टाइप ऑफ व्हीकल एट ए टाइम लाइक पैसेंजर कार, ट्रक्स, पैडल, साइकिल एंड एनिमल ड्रॉन व्हीकल्स. क्लियर है? इस पॉइंट में क्या कहता है कि मान लो आप एक रोड का डिजाइन कर रहे हो, रोड के डिजाइन में आपने 2-3 लेन प्रोवाइड की, वहाँ पे एक साइड से कार बाइक एक साइड से आ रहे हैं एक साइड से जा रहे हैं, लेकिन पैडल जो पैडल पैसेंजर होते हैं उनके लिए आपने कुछ डिवाइडर टाइप प्रोवाइड नहीं किया तो रोड आपका सेफ नहीं रहेगा. तो रोड आपका ऐसा होना चाहिए जो भी इसमें बताया गया, जैसे पैसेंजर कार ट्रक्स पैडल साइकिल के सभी स्मूथली आ जा सके. ठीक है, सबके लिए अलग अलग पार्ट होना चाहिए रोड पे. सेकेंड कहता है रोड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर रिलेटिव लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रोजेक्ट. थर्ड है हमारे पास रोड ट्रांसपोर्ट ऑफर्स कंप्लीट फ्रीडम टू रोड यूजर टू ट्रांसफर द व्हीकल फ्रॉम वन लेन टू अनदर एंड फ्रॉम वन रोड टू अनदर अकॉर्डिंग टू द नीड एंड द कन्वीनियंस. क्लियर है? कई बार क्या होता है कि एक सामने से गाड़ी आ रही, ये गाड़ी इधर से आ रही है, इसको क्रॉस करके उधर जाना है. अगर यहाँ पर आपने एक सेफ्टी प्रोवाइड नहीं किया या आपका डिजाइन यहाँ पे गलत हो जाता है तो चांसेस होते हैं एक्सीडेंट होने के, बहुत सारे चांसेस होते हैं. तो इसने कहा कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करे ताकि व्हीकल वन लेन से अनदर लेन पे आसानी से क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके. इन पार्टिकुलर फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल रोड ट्रांसपोर्ट सेव टाइम. क्लियर है? आप ये तो है नहीं कि एरोप्लेन से जाओगे, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए आप एरोप्लेन का यूज कर सकते हो, शिप का यूज कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रोड ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, आपका टाइम सेव करते हैं. रोड ट्रांसपोर्ट इज द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी टू द इंटायर कम्युनिटी. क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया. इंडिया में क्या इम्पोर्टेंस है, बहुत सारे इम्पोर्टेंस है. ठीक है, जैसे अगर मैं आपको पॉइंट में बात करूँ तो पॉइंट में सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री. अगर हम विलेज की बात करते हैं या फिर सिटी की बात करते हैं, सिटी क्या होती है एज कंपेरिजन ऑफ विलेज, डेवलपमेंट होती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर रोड बहुत अच्छे से प्रोवाइड किए जाते हैं, आने जाने की सुविधा काफ़ी अच्छे से होती है. तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप एरिया चल जाता है हमारे पास.
नेक्स्ट रहेगा हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इंटेक्चुअल लाइफ, रिक्रिएशन फैसिलिटी, मेडिकल सर्विस। ठीक है, ये सारे के सारे अगर आपके पास रोड है, रोड डेवलपमेंट आप कर रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। चलिए इसमें पढ़ते हैं क्या। फर्स्ट वन है, रोड डेवलपमेंट इन इंडिया हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड greatly to the growth in the agriculture, commercial and industrial sector. It is necessary to provide road connectivity between village and market center. ठीक है, क्या करेगा ये, connectivity provide करता है between village and market center. Next हम करते हैं, overall economic progress can be achieved only when adequate transport facilities are made available between village and commercial center. Road development also create a lot of employment opportunity. These are the important of roadway. I hope you all understand the point in this video, definition of road, importance and characteristic. ठीक है, next topic हम next video में cover करेंगे।